हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गई। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ डी प्लस बी एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। वो आपको क्वेश्चन पूछा है और सारे प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, वो आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो। तो डी एंगल, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री है तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल फर्स्ट थिंग। तो बी एंड डी आर ऑपोजिट हियर। अगर वो दोनों ऑपोजिट हैं तो वो दोनों का एंगल भी सेम होना चाहिए। सेम कब होगा, कब होगा, डी प्लस बी 180 डिग्री, जब डी का एंगल 90 डिग्री प्लस बी का एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर वो दोनों का एंगल 90 डिग्री हुए तो 180 डिग्री हो जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा, तभी जाके ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बोला जाएगा। इफ 90 डिग्री हम लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, इफ डी एंगल एंड सॉरी इफ बी एंगल एंड डी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन यस दिस यस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम। ऐसे भी आप और भी ज्यादा करके लिख सकते हो, मैं आपको बस समझाने के लिए देन यस में लिखी हूँ। क्यों दोनों को एंगल हमारा 90 डिग्री चाहिए, दोनों को मिला के हमारा क्यों मतलब 90 डिग्री से कम एक क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम का रूल कहता है कि दो ऑपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, मेजरमेंट सेम होना चाहिए। ओके, अगर 45 हुआ तो सेकंड का 45 ही होना चाहिए, 90 हुआ 90 होना चाहिए, पर 180 डिग्री हमको कॉन्स्टेंट दे दिया ना, तो इसीलिए हमको 90 ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू डी सी ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम का और वो हमारा 8 सेंटीमीटर दिया गया है। नेक्स्ट ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4। तो ये एक पैरेललोग्राम बोला जाएगा क्या, नहीं बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों तो 8 8 हो गए, ए बी एंड डी सी वो ऑपोजिट साइड से इक्वल हो गए, पर यहाँ पर जो 4.4 है ना वो कैसे इक्वल विथ 4 सेंटीमीटर के साथ होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर ए बी नो हियर आपको लिखना है नो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी नॉट ए पैरेललोग्राम बिकॉज नो आपको लिखना है बिकॉज बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अदरवाइज आपको लिखना है ऑपोजिट, नो हियर ऑपोजिट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल, इसीलिए वो एक पैरेललोग्राम बोला नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज में हमको सेम ही चाहिए, ऑपोजिट साइड इक्वल होना ही चाहिए। ओके, वही रीजन आपको देना है, क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है उसी पर आपको आंसर में ऐसे लिखना है, ये भी हमारा आंसर है। देखो यहाँ पर मैंने ये सी लिखा है, आपको ये लाइन और लिखना है। ओके, नेक्स्ट ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, मैं इसको इरेज कर देती हूं पहले, आ गया ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, देन सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो वो एक क्वाड्रिलेटरल मतलब वो एक पैरेललोग्राम बोला जाएगा क्या, नहीं बोला जाएगा। अभी अभी मैं आपको बोली कि एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आपको यहां पर लिखना क्या है, नो यहां पर लिख देती हूं नो आंसर करके, नो
would not be a parallelogram because opposite angles of parallelogram are not equal here. क्योंकि हमको इक्वल चाहिए. यहाँ पर 70 डिग्री हुआ, अगर सी एंगल हमारा 70 डिग्री होता तभी जाके हम उसको पैरेलल बोल सकते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए पर पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो ऑपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, तो वो कौन सा फिगर है. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में काइट पढ़ा था. काइट के ऊपर हमने डिस्कस किए थे जो कि उसका जो स्मॉल साइड्स दो रहते हैं उसका और दो बिग साइज रहते हैं, दोनों साइड मतलब चार साइड से दो स्मॉल साइड्स इक्वल रहते हैं और दोनों लास्ट साइज इक्वल रहते हैं, है कि नहीं. नेमिंग कर लेते हैं पहले ए बी सी डी. तो यहां पर ना ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू डी सी. ए बी के साथ ए डी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. उसके बाद आपको याद रखना है बी एंगल इज इक्वल टू डी एंगल. ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल हो गया क्वाड्रिलेटरल का, मतलब ये काइट का एक क्वाड्रिलेटरल ही है और ये ऑपोजिट एंगल ए एंगल ऑपोजिट विथ सी एंगल, तो ए एंगल सी एंगल इक्वल होंगे. बस आपको इतना याद रखना है और ये फिगर आपको ड्रॉ करके दिखा देना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. करेक्ट, यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किए हूँ जो कि ए बी सी डी है और पैरेललोग्राम का जो एंगल है ना वो 3:2 रेशियो में. इफ हमको क्या करना है, लेट ए एंगल बी 3x एंड बी एंगल बी 2x. जब कभी रेशियो फॉर्म में दिया रहेगा फर्स्ट आपको जो फर्स्ट मतलब आप जिसको देना चाहोगे ना उसको डायरेक्टली 3 मतलब उसी नेमिंग कर लेना. ठीक है, हमने ए एंगल एंड बी एंगल को लेंगे. क्यों लेंगे, क्योंकि हमको पता है प्रॉपर्टीज के हिसाब से कि जो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम लिखना है वी नो दैट. अभी हमने लेट ले लिया, नेक्स्ट लाइन वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम सॉरी एडजेसेंट एंगल ए बी हमारा एडजेसेंट एंगल होगा. आप बी सी को भी ले सकते हो, आप बी लेट बी बी 3x सी बी 2x ऐसे भी ले सकते हो. ऐसा नहीं कि ए बी ही लेना है. ठीक है, मैं नीचे ए बी लिखी हूँ इसलिए मैं ये दोनों को एडजेसेंट एंगल करके ले रही हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए. एडजेसेंट वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी 180 डिग्री, सप्लीमेंटरी भी लिख सकते हो, है कि नहीं. करेक्ट, ये लाइन हम डिस्कस किए थे पहले. तो नेक्स्ट इंप्लाइज दैट इज 3x + 2x, है कि नहीं. अदरवाइज ए एंगल प्लस बी एंगल पहले लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि एडजेसेंट एंगल ब्रैकेट में लिख देंगे. ए एंगल को बी एंगल को क्यों लिए, नेक्स्ट ए एंगल को 3x लिए थे बी एंगल को 2x लिए थे. 5x इज इक्वल टू 180
एक्स इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 36 हमारा एक्स आ गया। ओके 36 एक्स आ गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, 3x निकालना है। एक्स फाइंड आउट किए, नेक्स्ट ए इज इक्वल टू 3x जो कि 3 इंटू 36। ओके एंड बी इज इक्वल टू 2x जो कि 2 इंटू 36। 36 थ्री जा 108 एंड 36 टू 72। ठीक है, ये आ गया ए एंड बी, ए एंगल बी एंगल। तो ए एंगल हमारा ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ऑपोजिट किसके साथ होगा, सी एंगल के साथ ए एंगल होगा, एंड बी एंगल ऑपोजिट किसके साथ होगा, डी एंगल के साथ होगा। तो डी एंगल भी हमारा 72 डिग्री है। तो आपको लिखना है ए एंगल इज इक्वल टू सी एंगल 108 एंड बी एंगल इज इक्वल टू डी एंगल 72 डिग्री। ठीक है, हमने फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम और सारे का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।